नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 मई 2018 के सारे इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स के बारे में, और हमेशा की तरह अपने सेशन की शुरुआत करेंगे यहाँ पर कल पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हुए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो का, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आप कभी भी इंपॉर्टेंट वाले हमारे नोटिफिकेशन को मिस नहीं करेंगे। हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों ने पीडीएफ के लिए बोला था कि पीडीएफ उन्हें नहीं मिल पाती। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसको ज्वाइन अगर कर लेंगे तो अगर 6:15 पे वीडियो अपलोड हो रहा है तो आपको 12 बजे तक पीडीएफ यहां की मिल जाया करेगी वहीं से। शुरुआत करते हैं दोस्तों कल पूछे गए क्वेश्चन से। कल हमने पूछा था आपसे क्वेश्चन पहला कि यहाँ पर किसानों की आय को 2022 तक दोगुना कर देने वाली समिति का नाम आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि वारंगल की किस वस्तु को हाल ही में GI टैग मिला है, और तीसरा था कि उमंग ऐप यहाँ पर किस मंत्रालय से संबंधित है, किसने इसको डेवलप किया है, और चौथा था स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ने वाली सिटीज़ की संख्या कितनी है। पाँचवा था यहाँ पर कि वरुण नाम से कौन से दो देश सैन्य अभ्यास करते हैं। इन सभी के क्वेश्चंस को समझते हैं। इन दो कमेंट के माध्यम से यहाँ पर रूबी कुमारी का कमेंट है और यहाँ पर विपेंद्र त्रिपाठी का कमेंट है। इन दोनों के कमेंट के माध्यम से हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अशोक दलवाई कमेटी। ये कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा 13 अप्रैल 2016 को यहाँ पर बनाई गई थी ये कमेटी, और इसका लक्ष्य है कुल मिलाकर के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना कर देंगे। और तेलंगाना में GI टैग मिला था आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट को, और वारंगल की दरियों को मिला था GI टैग। GI टैग मैंने बताया था आपको बहुत ही यूनिक वस्तुओं को मिलता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई हैंडमेड प्रोडक्ट हो सकता है, किसी के द्वारा बनाया गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया। जैसे कड़कनाथ चिकन के बारे में आपको पता होगा, जिसे MP का GI टैग अभी मिला है, कि उसका मीट ब्लैक कलर का होता है, जो अपने आप में यूनिक बात है। उसी प्रकार से जो वारंगल की दरी है और जो आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट है, उसकी अपनी खासियत है। आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट में कोई भी उसे कॉपी नहीं कर सकता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बताते हैं उस तरह की क्राफ्ट को कॉपी करना। और यहाँ पर दरी जो है यहाँ पर वारंगल की, वो भी अपने आप में यूनिक है। इस वजह से इन दोनों वस्तुओं को GI टैग मिला है अप्रैल में ही। अप्रैल में ही कड़कनाथ मुर्गे को मिला था और अप्रैल में ही इन दोनों वस्तुओं को मिला था GI टैग। उमंग ऐप के बारे में हम लोग कई बार देख चुके हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है इसका फुल फॉर्म। और ये कुल मिलाकर एक ऐप है, नॉर्मल सा फ्री का ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर पर देख सकते हैं। इसमें जाके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने इसको डेवलप किया है, और ये कुल मिलाकर गवर्नेंस से संबंधित है। इसमें 160 से ऊपर आप सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी ऐप के द्वारा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप CBSE बोर्ड का रिजल्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं, NCERT की किताबें भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वरुण नाम से सैन्य अभ्यास करते हैं भारत और फ्रांस। ये नेवी का अभ्यास है और आखिरी अभ्यास कंडक्ट हुआ था 1 से 7 मई के बीच हिंद महासागर के रीयूनियन द्वीप के पास ये कंडक्ट हो चुका है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा समर्थित की गई स्वच्छ भारत अभियान को किस फिल्म अभिनेता के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही है। अक्षय कुमार ने यहाँ पर फीचर किया है इस विज्ञापन में। आप स्वच्छ भारत अभियान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जाकर इन्हें देख सकते हैं, इनके विज्ञापन को पूरा। इसमें अक्षय कुमार के साथ साथ भूमि पेडनेकर को भी आप स्पॉट कर सकते हैं वहां पर। इस 61 सेकंड के विज्ञापन में आप लोग अक्षय कुमार को और भूमि को देख सकते हैं ट्विन पिट सिस्टम वाले टॉयलेट्स को प्रमोट करते हुए। इसमें बताते हैं दोनों एक इंटरैक्टिव विज्ञापन के माध्यम से इसमें कि हम ट्विन पिट सिस्टम को अगर इंस्टॉल करते हैं अपने घरों में तो कैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है हमारे क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इसमें बताया जा रहा है कि हम सभी को अपने घरों में ट्विन पिट सिस्टम वाली टॉयलेट्स इंस्टॉल करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि अगर एक पिट भर जाता है यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्टली दूसरा यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जब तक दूसरा यूज़ करते हैं तो इस पिट का जो भी फीकल मैटर होता है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मैनवर बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है, कह सकते हैं फर्टिलाइज़र बन जाता है, जिसको यहाँ पर सोना बता रहे हैं अक्षय कुमार। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए।
तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर बात बताई जा रही है। ट्विन पिट सिस्टम यहाँ पर प्रमोट करेंगे दोनों। 61 सेकंड का विज्ञापन है, मैं चाहता तो यहीं पर शो कर सकता था आपको, बट ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, आईपीआर रूल्स के खिलाफ है। प्लस यहाँ पर कॉपीराइट भी हमें मिल सकता है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत ने हाल ही में किस देश में अपना दूसरा आईटी कॉरिडोर बनाया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, चीन में बनाया है। और पहला कहाँ बनाया था? पहला भी दोस्तों बनाया गया था यहाँ पर चीन में ही, चीन में ही बनाया गया था पहला आईटी कॉरिडोर। कब बनाया गया था? ये दिसंबर मंथ में बनाया गया था, और 2017 में नॉस्कॉम ने चीनी बंदरगाह डालियान में अपना पहला सिडकॉप प्लेटफॉर्म स्थापित किया था। सिडकॉप है क्या? सिडकॉप है डिजिटल कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज प्लाजा है, ये एक मंच है जो चीनी भारतीय डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करेगा और सॉफ्टवेयर को। तो ये दूसरा है आईटी कॉरिडोर, और पहला भी कहाँ था? चीन में ही। पहला था डालियान में और दूसरा खुल गया है अभी। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें बताना है कि आईपीएल 11वें संस्करण में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला था? ये मिला था ऋषभ पंत को। और फाइनल दोस्तों जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने, हराया किसको? सनराइजर्स हैदराबाद को। फाइनल कहाँ पर हुआ? मुंबई में। और चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं पर्पल और ऑरेंज कैप के बारे में, इससे ज़्यादा आईपीएल से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूस से मिसाइल रोधी प्रणाली की खरीद पर बातचीत प्रक्रिया पूरी की है। यहाँ पर S-400 खरीदने वाले हैं, जो कि मिसाइल रोधी प्रणाली है, और ये भारत खरीद लेगा। अब रूस से बातचीत तय हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली, इस पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है संगीता बहल, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही है। और संगीता बहल बनी है सबसे उम्रदराज, और अभी हाल ही में जस्ट एक वीक पहले मैंने बताया था करंट अफेयर्स में कि सबसे यंग एज की महिला कौन बनी है। सबसे यंग एज की महिला थी शिवांगी पाठक हरियाणा से, और ये नेपाल की तरफ से चढ़ी थी एवरेस्ट पर। इनकी एज थी केवल 16 वर्ष। और इनकी एज क्या है? इनकी एज है करीब 53 वर्ष की है संगीता बहल की। इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं बताना है कि यहाँ पर क्लीन एयर इंडिया परियोजना का हिस्सा कौन नहीं है। यहाँ पर फ्रांस की सरकार हिस्सा नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर इसके पार्ट हैं। गेट इन द रिंग जो कि स्टार्टअप्स के लिए प्लेटफॉर्म है वो इसका पार्ट है, नीदरलैंड की सरकार इसका पार्ट है, स्टार्टअप इंडिया इसका पार्ट है, और इंडस फोरम भी इसका पार्ट है। अब BCCI ने यहाँ पर UN एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पर ग्रीन क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर समझौता हुआ है ग्रीन क्रिकेट के लिए। ग्रीन क्रिकेट का मतलब क्या है? इको फ्रेंडली क्रिकेट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रिकेट मैचेस अब कंडक्ट होंगे। BCCI के द्वारा ऐसी बात कही जा रही है। अब कुल मिलाकर वही बात है कि जहाँ पर ग्रीन लग जाता है वहाँ पर इको फ्रेंडली मेजर्स लिए जाएंगे, जैसे कि स्टेडियम्स में प्लास्टिक अलाउ नहीं करेंगे, और फ्लड लाइट्स में जो भी खर्चा होता है, जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान होता है उसे मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बंद तो कर नहीं सकते। एक कैंपेन के लिए आप अपने व्यापार को कभी भी इफेक्ट नहीं करना चाहेंगे, जो सीधी बात है। किस राज्य की सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल खेती योजना शुरू की है? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। कुल मिलाकर ये जीरो लागत पर कैसे हम लोग अपनी खेती को बढ़ाएंगे किसान लोग, उनके लिए योजना है हिमाचल प्रदेश की सरकार की। यहाँ पर अगर क्लाइमेट अच्छा है तो बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में है ये। यहाँ पर किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य से पूरी तरह प्लास्टिक को हटाने के लिए, प्लास्टिक का उन्मूलन करने के लिए, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, एलिमिनेट करने के लिए 15 अगस्त तक की डेडलाइन निर्धारित की है, वो किस राज्य ने की है? वो त्रिपुरा ने की है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब RBI की पहली CFO कौन बनी है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, आपको पता होना चाहिए। बैंक के एग्जाम्स में ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं RBI से रिलेटेड करंट अफेयर्स से। यहाँ पर बनी है सुधा बालकृष्णन, RBI की पहली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी कौन करने वाला है? यहाँ पर देहरादून करेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही है। उत्तराखंड के देहरादून में होगा मुख्य कार्यक्रम। और आपको पता है कि योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय हम लोग मनाते हैं 21 जून को हर वर्ष, और ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह होगा 21 जून 2018 को उत्तराखंड देहरादून में। यहाँ पर आयुष मंत्रालय के जो सचिव हैं श्री वैद्य राजेश कोटेचा, इन्होंने बताया है 21 जून को होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सामूहिक योग दर्शन, जो कि मुख्य कार्यक्रम माना जाता है, उसका स्थल है देहरादून।
तो फ्रेंड्स सेशन यहीं पर खत्म होता है। आप लोग क्वेश्चंस ऑफ द डे का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि मिस इंडिया यूएसए 2017 का खिताब किसने जीता है, विश्व मिथक सरित सागर के लेखक कौन है, आपको लिख करके बताना है यहाँ पर कॉमेंट्स में। कॉमनवेल्थ खेल 2018 का मैस्कॉट क्या रहा है, आपको लिख करके बताना है। ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा है और एबल पुरस्कार 2018 में किसे मिला है। ये पांच क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। हम लोग दोस्तों मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।